हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लव गुरु एमके में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पति को अपने वश में कैसे करें, पति को वश में करने के टोटके उपाय। दोस्तों, क्या आप अपने पति को अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पति आपके वश में रहे, आपके कंट्रोल में रहे, वह आपके सिवाय किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित ना हो? तो दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय टोटके हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पति को वश में करने के वे टोटके उपाय जिनकी मदद से आप कर सकते हैं अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में। दोस्तों, आपको 21 बार लौंग पर फूंक मारनी है। शनिवार की अर्धरात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। दोस्तों, यह प्रयोग आपको लगातार 7 बार करने से आपका पति आपके वश में हो जाएगा और वह किसी अन्य महिला की तरफ आकर्षित भी नहीं होगा। प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपको अपशब्द बोलने के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको मारते या पीटते हैं, तो आप हर रविवार को शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। दोस्तों, धुनी करने से पहले आप उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाए। आपको यह टोटका श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा दोस्तों, तभी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, 1 महीने तक करें यह जाप। शयन पक्ष में पहले रविवार को प्रातकालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल पर आएं। 1 थाली में केसर से सुशोभित बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। अब गंधक फूल और बताशे आदि से इसका पूजन करें। दोस्तों, 1 महीने तक यह जाप करें। पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब सप्तिक की माला लेकर ओम ह्रीं वंचित में वशमने स्वाहा का जाप करें। प्रतिदिन 1 माला का जाप 1 महीने तक करने से किसी का भी वशीकरण कामयाब हो सकता है। दोस्तों, चोटी के बाल गुप्त स्थान पर रखें। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर होने लगे हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, तो आपको गुरुवार या शुक्रवार के दिन रात के 12 बजे अपने पति के बाल काट कर उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर आपके पति की नज़र ना जाए और वह देख ना पाए। दोस्तों, फिर अगले दिन इन बालों को आपको अपने पैरों के तले कुचल कर घर से बाहर फेंक देने हैं। यदि आपका यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो यह ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों ये थे कुछ उपाय टोटके जिनकी मदद से आप कर सकते हैं अपने पति को अपने वश में। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।